हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवेनिका क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत स्पेशल साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी तो और भी है मेरे चैनल पर, लेकिन आज की ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज ये सिर्फ व्रत के में खाए जाने वाले सामानों से बनी है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, इस फटाफट से इजी से साबूदाना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कप के करीब साबूदाना, जिसको हमने 2 बार पानी से हल्का वॉश करके और इसे 3/4 कप पानी में डाल के इसे सोक कर लिया था, और 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आप देखेंगे हमारे साबूदाने बहुत ही अच्छे से सोक्ड हो चुके हैं और ये एकदम खिले खिले और अलग अलग हैं। देखिए, आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ध्यान रहे कि हमारा फ्लेम जो रहेगा वो मीडियम रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान। ये देखिए, ज़ीरा जैसे ही हमारा क्रैकल करने लगेगा, हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। इसके लिए हम इसे ढक करके करीब 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक कुक होने के बाद आप देख सकते हैं ये इसका हल्का सा क्रस्ट हो गया है, इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे एक बार हम फिक्स से मिक्स कर लेंगे, सटे कर लेंगे और फिर से ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। बस ये देखिए, हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो गए। आप इसको चेक करने के लिए कि हमारे आलू अच्छे से पके हैं कि नहीं, हल्का सा इस तरह से आप एक कोई भी पीस को दबाएंगे, अगर ये प्रॉपरली दब रहे हैं इसका मतलब ये कुक हो गए। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली डालेंगे, यानी पीनट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके करीब 2 से 3 मिनट के लिए अगेन कुक करेंगे हम। इसी बीच हम इसे हमारे जो साबूदाने सोक किए हुए हैं उसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा सेंधा नमक, यानी जो व्रत में खाए जाने वाला नमक होता है, उसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसलिए भी मिक्स स्किप कर सकते हैं काली मिर्च, अगर आपको क्या तीखा नहीं खाया जाता, अदरवाइज़ काली मिर्च का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साबूदाने की खिचड़ी में। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे ये एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। ये देखिए, हमारे आलू और हमारी क्या कहते हैं मूंगफली दोनों ही अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें अपने साबूदाने को जो सोख के करके रखे थे उसको डालेंगे, और इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हमें इवेनली। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक करके करीब 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक कुक हो जाने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से और मिक्स करेंगे। अगर आप व्रत में धनिया खाते हैं तो आप इस समय आप धनिया को बारीक काट काट कर मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं और सब दाने अलग अलग हैं साबूदाने के। अब हम इसे ढक करके गैस को की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और करीब 10 मिनट के लिए इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हमारा हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे बोल में, और उसके ऊपर हल्का सा लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस आप खट्टा जैसा खाते हैं कम ज़्यादा उस अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बस हमारी साबूदाना खिचड़ी व्रत वाली सिंपल और इजी रेसिपी बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप मेज़रमेंट से पूरी चीज़ करेंगे, जैसे भिगोने का काम और सारी चीज़ सोक करने का काम साबूदाने को, तो ये बहुत ही अच्छी और परफेक्ट और खिली खिली बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नवेनिका क्रिएशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग नवेनिका क्रिएशंस।